Dummy like a Hellcat. सीन जीशु और लिंचिन में का दिखाया जाता है। जीशु लिंचिन में उसे पूछता है, क्या तुम अभी भी शान हैंग के साथ हो? लिंचिन में कहती है हाँ, क्या इसमें कुछ गलत है? जीशु कहता है नहीं, मैं बस पूछ रहा था। अब सीन बीच का दिखाया जाता है जहाँ जीशु कैंपिंग करने के लिए आया था। वहाँ ईची भी आ जाती है, जीशु के पास आती है और कहती है कि तुम भी यहाँ कैंपिंग करने के लिए आए हो। अभी वो अपना टेंट लगाने के लिए जाती है, लेकिन उसे तो टेंट लगाना आता ही नहीं था। जीशु कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ कैंपिंग करने के लिए आई हो, तुम मेरा पीछा कर रही हो है ना? लुशु ने तुम्हें मेरे बारे में बताया। ईची कहते ये कैसे हो सकता है। वो फिर से टेंट लगाने की कोशिश करती है, जैसे तैसे टेंट लगा लेती है, लेकिन जैसे ही वो टेंट के अंदर जाती है टेंट उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो चिल्लाती है जीशु क्या चल रहा है, कोई मेरी मदद करो। अभी जीशु उसके पास आता है और उसकी मदद करता है और उसे टेंट लगाना सिखा रहा था कि नीचे तो उसे घूरे जा रही थी। जीशु कहते तुम मुझे क्या देख रही हो, तुम्हें देखना चाहिए कि मैं टेंट कैसे लगा रहा हूँ। अभी ईची कहते मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा है। अभी वो जीशु से कहते है थैंक यू। तभी लिंचिन म्याओ और शांग हैंग वहाँ आ जाते हैं। लिंचिन म्याओ कहते ये यहाँ क्या कर रही है। शांग हैंग कहते तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। जीशु कहता है हाँ मैंने भी नहीं। फिर वो अपने टेंट की तरफ जाता है। लिंचिन म्याओ कहते मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई और मकसद है। ईची कहते तो क्या। फिर वो दोनों जीशु के पास जाते हैं। ईची भी उन लोगों के पास आ जाती है। लिंचिन म्याओ को जेलस करवाने के लिए कहती है जीशु कल मैंने तुम्हारे घर पर जो चाय पी थी इससे मुझे सुंदरता का एहसास हुआ, क्या तुम मुझे वो चाय बनाना सिखा सकते हो? जीशु कहता है एक मिनट रुको। लिंचिन म्याओ कहते है मुझे डर है कि तुम्हारे यहाँ आने से वो असुविधाजनक महसूस कर रहा है। ईची कहते मिस्टर सी क्या ऐसा है? जीशु कहता है नहीं। शान हैंग कहते इतने सालों में भी तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला। लिंचिन म्याओ कहते आज कितने गर्मी है ना, मैं हम सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। शान हैंग कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि ये कौन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कहता है नहीं ये एक फ्रेंड है। शांग हैंग कहता है इतने सालों के बाद तुमने एक नया दोस्त बना लिया। अभी लिंचिन म्याओ वहाँ आइसक्रीम लेकर आती है, कहते हैं मैं सिर्फ 3 आइसक्रीम लेकर आई हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। वो जीशु को आइसक्रीम देने के लिए चाहती है, कहता है मुझे नहीं चाहिए ये इसे दे दो। तभी ईची कहते हैं चूंकि जीशु मुझे ये देना चाहता है तो मैं इसके लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं देना चाहती तो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगी। लिंचिन म्याओ उसे वो आइसक्रीम देती है, अगर तुम ये मुझे देना चाहती हो तो मैं इसे ले लूंगी। जीशु ईची से कहता है तुम्हें ज्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शांग हैंग जीशु को जलाने के लिए लिंचिन म्याओ के पास जाता है और होठों को साफ करते हुए कहता है ये तुम्हारी सुंदरता बिगाड़ रहा है। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। ईची अपने टेंट पर जाती है और बारबेक्यू बनाने लगती है। शांग हैंग और लिंचिन म्याओ को आते हुए देखकर शु के पास बारबेक्यू लेकर जाती है, कहती है तुम्हें इसे खाना चाहिए। शु कहते हैं मुझे बारबेक्यू पसंद नहीं। लिंचिन म्याओ कहते हैं इससे कैंसर होने का खतरा है इसीलिए जीशु इसे नहीं खाता। तभी ईची उसके पास जाती है और कहती है अपने आप को इतना गलत मत समझो, तुम्हें आँख का सामना आँख से करना होगा, तुम्हें उसके अंदर की जेलसी को बाहर निकालना ही होगा और उसे बता दो कि तुम उसकी परवाह नहीं करते। ईची उसे बारबेक्यू खिला देती है, कहती है कैसा है ये? जीशु कहता है बुरा नहीं है। लिंचिन म्याओ शांग हैंग से कहती है मुझे ड्रिंक चाहिए, तभी वो उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है। लिंचिन म्याओ जीशु से कहते हैं क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। ईची उन दोनों को जाते हुए देखकर कहती है इसकी एक्स कितने पावरफुल है, अच्छा होगा कि ये इसे कॉपीराइट ना दे। वो दोनों बातें करने के बाद अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। ईची उसका पीछा करने लगती है। जीशु कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? ईची कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, ऐसे मेरा मूड काफी खराब है, चलो मेरे साथ। ईची एक मोटर बाइक लेकर आती है, उसके आसपास हार्ट बनाती है और कहती है चलो आ जाओ एंजॉय करते हैं। जीशु कहता है नहीं तुम अपने आप करो। ईची उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वो दोनों मोटर बाइक की राइड को एंजॉय करते हैं। तभी जीशु मोटर बाइक से उतर जाता है। ईची भी मोटर बाइक से उतरने के लिए जाती है लेकिन उसका पैर फंस जाता है, इसकी वजह से वो जीशु पर गिर जाती है। उससे दूर हटते हुए कहती है सॉरी। जीशु कहता है कोई बात नहीं। ईची का पैर गड्ढे में फंस जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उसे देखकर जीशु को हंसी आ जाती है। ईची कहती है क्या तुमने अभी स्माइल की? जीशु कहता है चलो खड़ी हो जाओ। अब सीन रात का दिखाया जाता है। ईची जीशु से कहती है कब नॉवल को अपडेट करोगी? जीशु कहता है बहुत जल्दी, और जल्दी ही ये नॉवल खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें अभी भी नॉवल की कॉपीराइट चाहिए तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ईची कहते हैं क्या सच में? जीशु कहता है हाँ। फिर वो अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है। ईची भी अपने टेंट में सो जाती है। मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ ईची अपने टेंट से बाहर निकलती है।
उसकी नजर जीशु पे पड़ती है जो कि फोटो ले रहा था। पीछे उसके कैमरा के आगे आ जाती है। कहती है, मुझे देखने दो तुमने क्या क्या फोटो ली है। जीशु उसे दिखाता है। थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। ईची मिस्टर जिया से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर जिया कहते हैं, मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। जीशु से कॉपीराइट के बारे में बात करना बंद कर दो। मैंने अभी अभी उसके नए अपडेट को देखा है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुमने उसे पढ़ा है? ठीक है, मुझे भी अभी ही पता चला, मैंने उसे नहीं पढ़ा है। लेकिन मिस्टर जिया मुझ पर भरोसा करे, मैं उसे कहानी बदलने के बारे में मना लूंगी। मिस्टर जिया कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ। उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो इसके बारे में भूल जाना। अभी ईची वहाँ से चली जाती है। सिन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ ईची बस स्टॉप पे बैठी थी, अपने फोन में फैन फिक्शन को देख रही थी। तभी ईची और जीशु दोनों ही नॉवल में चले जाते हैं। ईची कहती है, मैं यूले और शिनिंग को मिलवाने की कोशिश कर रही थी। भी वो भागती है। जीशु भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे रोकता है। कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? सोचती है, इस सपोर्टिंग रोल ने ही सब कुछ बिगाड़ा है और अब ये मुझे रोक रहा है ताकि मैं उन दोनों से ना मिल पाऊँ। सब कुछ जीशु को भी सुनाई दे रहा था। तभी ईची अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, तुम सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा रात हो गई है, अब हमें जाना चाहिए। तभी ईची सोचती है, अगर ये मुझे नहीं जाने देगा तो मैं अपने फोन का इस्तेमाल करूंगी और उन दोनों की गलतफहमी दूर करूंगी, जो कि जीशु को भी सुनाई दे रहा था। वो अपना फोन जानबूझकर ड्रेन में डाल देता है। कहता है, ओ नहीं, मेरा फोन तो नीचे गिर गया। ईची कहते है, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए तुम फोन खरीद सकते हो। कहता है, लेकिन मुझे किसी को फोन करना है, लाओ मुझे अपना फोन दो। ईची को ना चाहते हुए उसे फोन देना पड़ता है। जीशु भी उसका फोन ड्रेन में डाल देता है। कहते है, तुमने ये क्या किया? मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है? मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। तभी वो अपना फोन निकालने की कोशिश कर रही थी। जीशु फोन पर पानी डाल देता है। ईची कहते है, तुम ये क्या कर रहे हो? जीशु कहता है, जबकि ये फोन गिर ही गए है तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए कि कोई हमारे फोन की इन्फॉर्मेशन ना ले सके। कल मैं तुम्हें नया फोन खरीद कर दे दूंगा, अब चलो यहाँ से। ईची कहते है, कल तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं? अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ईची जीशु के पास आती है और उसका कॉलर पकड़ के कहती है, तुम्हारी वजह से यूले और शिनिंग का झगड़ा हो गया है। जीशु कहते है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ईची कहते है, मुझे इस नॉवल का आईपी नहीं मिल रहा है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी, दोनों जीशु खराब है। जीशु कहते है, मैंने तुम्हें बताया था सबका अंत अच्छा नहीं होता। तभी ईची रोते हुए कहती है, दुनिया में भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जीशु कहता है, क्या तुम सच में रो रही हो? तभी वो उसके पास आता है और कहता है, रोना बंद करो। तभी ईची उसे पकड़ती है, जोर जोर से रोने लगती है। कहते है, मेरा दिल टूट गया है। जीशु कहता है, ठीक है मैं तुम्हें रोने से रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपना रोना बंद करती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम यूले और शिनिंग के बीच में ना आओ। जीशु कहता है, ठीक है। ईची उसे गले लगा लेती है। कहते है, तुम दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो। जीशु कहते है, किसी ने अभी कहा था कि दुनिया के सारे जीशु बुरे लोग है। तभी उसके बाल उसकी शर्ट में फंस जाते हैं। जी कहते है, तुम मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? जीशु कहता है, हिलो मत। जी कहते है, तुम क्या कर रहे हो? जीशु कहता है, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी शर्ट उतारूं, तो तुम अपने बाल कटवा लो। तभी ईची अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, अब उतारो। ईची के फ्रेंड बाहर से सब कुछ देख रहे थे। मिस्टर सिया वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आता हुआ देख कर ईची हड़बड़ाहट में जीशु पर गिर जाती है। वो तीनों ये सब कुछ देख कर शॉक्ड हो जाते हैं। ईची के फ्रेंड मिस्टर जिया को अंदर छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। मिस्टर जिया कहते हैं, मुझे माफ करना, आप अपना चालू रखो। जीशु कहता है, क्या बात है? मिस्टर जिया कहते हैं, शिनिंग कहीं चली गई है। ईची कहते हैं, वो कहाँ चली गई है? जीशु कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कहीं चली गई है? मिस्टर जिया कहता है, हाँ वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। ईची कहते हैं, चलो हम उसे ढूंढते हैं। ईची कहता है, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें काम है। ईची कहते हैं, शिनिंग को ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वैसे भी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। अभी मिस्टर जिया और ईची दोनों टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। ईची जीशु की गाड़ी वहाँ से जाते हुए देखती है। मिस्टर जिया से कहती है कि पहले यूले को ढूंढो, मैं भी दूसरी तरफ उसे ढूंढती हूँ, हम दोनों अलग अलग ढूंढते हैं। ईची टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जिया यूले के स्टूडियो आ चुका था। वो सिंथियन को बाहर बुलाता है और कहता है, क्या यहाँ शिनिंग है? सिंथियन कहती है, नहीं। मिस्टर जिया कहते हैं, क्या मैं यूले से बात कर सकता हूँ? सिंथियन कहते हैं, थोड़ी देर रुको, यूले अभी डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई उसे प्रैक्टिस करते हुए परेशान करे ये उसे पसंद नहीं। मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम उसे बता सकते हो कि शिनिंग गायब हो गई है। जीशु का दिखाया जाता है जो कि शिनिंग के हाई स्कूल आ चुका था और अंदर जाता है। भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। तभी वो यूले को मैसेज करती है, शिनिंग अपने हाई स्कूल में है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।